आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 1 से 2 साल तक के बच्चों का विंटर डेली रूटीन एंड डाइट चार्ट। सर्दियों में बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है कफ एंड कोल्ड की। ऐसे में अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो इस प्रॉब्लम को फेस करने से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जैसे कि कौन सा फूड हमें बच्चों को किस टाइम पे देना चाहिए, उनके खाने में हमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर फूड टाइमिंग स्पेशली विंटर में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें किस टाइम पर उन्हें किस तरीके का खाना देना है एंड उनके खाने में हमें क्या क्या ऐड करना है। इस तरीके से हम अपने बच्चों की कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, सभी बच्चों का जो मिल्क का एंड फूड का रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका बच्चा फॉलो नहीं करता है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 1 से 2 साल तक के बच्चों की जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो किस तरीके से होती है। 1 से 2 साल तक के बच्चों को डे में 3 प्रॉपर मील्स लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड 2 स्नैक, मिड मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक एंड डे में 2 या 3 टाइम्स मिल्क 500 से 600 ml के बीच में आपको मिल्क देना जरूरी होता है। वेकअप टाइम, बच्चों को 7:30 से 8 o'clock के बीच में जग जाना चाहिए। अगर बच्चा इससे पहले भी जगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे अगर लेट जगता है तो क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक सोने की वजह से उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम से उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं होता है और जैसे हम उन्हें कुछ खिलाते तो उन्हें वॉमिट हो जाती है। ये सब गैस्ट्रिक इशू की वजह से ही होता है। जगने के बाद मैं अपने बेबी को सबसे पहले देती हूँ हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि विंटर में बच्चों को गुनगुना पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेशली बच्चे जब लॉन्ग टाइम तक सो रहे होते हैं तो उनको हल्के गुनगुने पानी की नीड होती है। विंटर में बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप गुनगुने पानी में लेमन एंड हनी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ये बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इनकेस बच्चों को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, उस दिन आप क्या कर सकते हो, गुनगुने पानी में थोड़े से तुलसी के पत्ते, अदरक एंड हनी आप ऐड करके बच्चों को पिलाइए। ये ड्रिंक बहुत अच्छी होती है, बच्चों को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है कफ एंड कोल्ड से। मिल्क टाइमिंग जो उसका होता है वो 8:30 होता है। जगने के बाद में मैं उसका डे का फर्स्ट मिल्क देती हूँ। मिल्क की क्वान्टिटी आप 150 ml से 200 ml के बीच में दे सकते हो। सर्दियों में बच्चों को प्लेन मिल्क देने की जगह आप लोगों को उन्हें फ्लेवर्ड मिल्क देना चाहिए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। इस टाइप का मिल्क आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हो, जैसे कि मैं देती हूँ। आप बच्चों के लिए केसर बादाम का मिल्क बना के दे सकते हो, बादाम मिल्क बना के दे सकते हो, खजूर मिल्क बना के दे सकते हो, टर्मेरिक मिल्क बना के दे सकते हो, ड्राई फ्रूट्स पाउडर उनके मिल्क में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों की छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी। आप जब बेबी का मिल्क बना रहे हो, स्पेशली 1 साल से अगर बच्चा बड़ा है, तो आप उसके दूध में शुगर की जगह आप जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ ऐड कीजिए। जैगरी क्या होता है, विंटर में गर्म होता है, इसमें आयरन होता है, तो बच्चों के खाने में आपको गुड़ तो ज़रूर ऐड करना है विंटर में। अगर आपका बच्चा लेट जगता है तो आप उसे डायरेक्टली ब्रेकफास्ट दीजिए, मिल्क को स्किप कर दीजिए। 9:15 to 9:30 ब्रेकफास्ट टाइम होता है। ब्रेकफास्ट ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, हलवा। हलवे में आप गाजर का हलवा दे सकते हो, आप मूंग दाल का हलवा दे सकते हो, बादाम का हलवा बना के दे सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का हलवा दे सकते हो। विंटर में हलवा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट में। जोवा डोसा दे सकते हो, एप्पल ओट्स पैनकेक दे सकते हो, मूंग दाल चीला दे सकते हो, रागी डोसा दे सकते हो, रागी पोरिज दे सकते हो, उपमा दे सकते हो, मेथी आलू गोभी के पराठे आप बना के दे सकते हो, बॉइल्ड एग दे सकते हो। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन कुछ इस तरीके से, स्क्रैम्बल्ड एग दे सकते हो, बॉइल्ड एग दे सकते हो, एग ऑमलेट दे सकते हो, एग पुडिंग आप दे सकते हो, एग डोसा दे सकते हो, एग राइस दे सकते हो, एग पराठा आप दे सकते हो। 11:30 PM स्नैक टाइम। यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप जरूर देना चाहूँगी। कई बार क्या होता है, हमें ये आइडिया नहीं होता है, हम सोचते हैं कि अगर हम हमारे बेबी को ऑरेंज खिलाएंगे या फिर सिट्रस फ्रूट्स खिलाएंगे, बनाना खिलाएंगे, तो हमारे बेबी को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चों को सीजनल फ्रूट्स जरूर खिलाइए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस दिन भी वेदर अच्छा है, आप धूप में बच्चों को आराम से फ्रूट्स खिलाइए, देखो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके बच्चों को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है तो आप चाहते हो तो उसे अवॉइड कर सकते हो, बट सिट्रस फ्रूट जो होते हैं बच्चों को कोल्ड एंड कफ में बच्चों को जरूर देना चाहिए, वो हेल्प करते हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में। फ्रूट्स ऑप्शन कुछ इस तरीके से, आप फ्रूट्स दीजिए लाइक बनाना, एप्पल, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, चीज, पनीर, स्वीट पोटेटो वेजीज, सूप। स्नैक के बाद में आप बच्चों को थोड़ी देर जरूर खेलने दीजिए, आप चाहो तो उन्हें पार्क ले जा सकते हो या फिर
आप छत पे ले जा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में विटामिन डी लेना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और धूप में अगर बच्चा खेलता है तो उसका डबल फायदा है, एक तो उन्हें विटामिन डी मिलेगा, एंड सेकंड क्या होगा, अगर बच्चा खेलेगा तो जो लंच करने का टाइम पे उन्हें भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी और बच्चा अच्छे से लंच करेगा। लंच टाइमिंग जो होता है वो 12:30 to 1 PM के बिटवीन होता है। यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी, विंटर में बच्चों के खाने में रागी, मक्का, बाजरा, ज्वार आप लोग ज़रूर ऐड कीजिए। एंड विंटर में बच्चों के खाने में आप हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि उनसे बच्चों के जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है। लंच ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, वेजिटेबल पास्ता, मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी, राजमा राइस, करी राइस, जोवर डोसा, रागी, जोवर, ओट्स, बेसन मिक्स रोटी आप बना के बच्चों को दे सकते हो। अगर बच्चा छोटा है तो आप बच्चों को रोटी की जगह पैनकेक या फिर आप उन्हें चीला बना के दे सकते हो। बाजरा खिचड़ी, ओट्स खिचड़ी, मिक्स वेजिटेबल राइस, मिक्स वेज दलिया, मेथी पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, वेजिटेबल वर्मीसिली, बेसन पालक चीला, इस तरीके से आप 7 डेज का 7 डिफरेंट टाइप का लंच आप बच्चों को बना के दे सकते हो। इससे बच्चों को वैरायटी भी मिलेगी एंड बच्चा एक ही तरीके के खाना खाने से बोर भी नहीं होगा एंड उसका फूड में जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। नेप टाइम 2 PM to 4 PM। जगने के बाद में मैं उसे डे का सेकेंड मिल्क ऑफर करती हूँ। इवनिंग स्नैक टाइम 5:30, मिड इवनिंग स्नैक ऑप्शन। अगर हम विंटर में बात करते हैं तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है इवनिंग में बच्चों को देने के लिए होता है वो गरम गरम सूप। अब बच्चों को टोमेटो सूप बना के दे सकते हो, मिक्स वेजिटेबल सूप बना के दे सकते हो, दाल का सूप बना के दे सकते हो, चिकन सूप दे सकते हो अगर नॉनवेज देते हो, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, मखाना, खीर, बॉइल्ड पोटेटो, गाजर का हलवा आप उन्हें दे सकते हो, बॉइल्ड एग, कटलेट्स एंड पेटीज। इस टाइम पे आप लोगों को फ्रूट्स, स्मूदी, शेक, दही, इन सब को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे सर्दी हो जाती है तो बच्चों को कफ एंड कोल्ड होने के पूरे चांसेस होते हैं अगर आप ये सब दे रही हो। 7:30 PM डिनर टाइम। डिनर ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, आप डिनर में मिक्स वेजिटेबल पराठा दे सकते हो, बीटरूट पराठा, बाजरा या मक्के की रोटी अगर बच्चा खाता है तो ऑप्शन में रख सकते हो वरना अवॉइड कर सकते हो, पनीर पराठा, एग पराठा, बीटरूट पैनकेक, स्पिनच राइस, कैरेट पोटेटो राइस, इडली, डोसा, बाजरे की खिचड़ी, कैरेट टोमेटो पास्ता। प्लीज नोट डाउन, अगर आपका बेबी पराठे नहीं खाता है तो आप उसे चीले या फिर पैनकेक बना के दे सकते हो, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल आप ऐड कर दीजिए। चीले जो बनते हो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बच्चा इजीली च्यू कर लेता है। मैंने अपने चैनल पर 66 डिफरेंट टाइप ऑफ चीला रेसिपी शेयर कर रखी, आप चाहो तो वहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि आप कौन कौन से चीले बना के दे सकते हो। 8:30 to 9 PM बेड टाइम रूटीन एंड स्लीपिंग। यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट शेयर कर रही हूँ जिन्हें बच्चों के डाइट में ऐड करना विंटर में कंपलसरी है या फिर कहें मस्ट है, आप इन्हें जरूर ऐड कीजिए। ये जो फूड आइटम्स है बच्चों की हेल्थ के साथ साथ बच्चों की स्किन के लिए, हेयर के लिए भी बेस्ट होते हैं, जो को कोल्ड एंड कफ से ही नहीं बचाती, बच्चों की जो ऑल न्यूट्रिशन की डिमांड होती है उसको भी फुलफिल करते हैं। फूड्स दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी, बाजरा, ज्वार, रागी, डेट्स, नट्स, जैगरी, स्वीट पोटैटो, घी, आमला। यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ एसेंशियल विंटर फूड की लिस्ट शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपनी बेबी की डाइट में क्या क्या ऐड करना है विंटर में। स्पिनिच, पालक, मेथी, बीटरूट यानी कि चुकंदर, गार्लिक एंड जिंजर। आप लोगों को मेरा वीडियो